19 फरवरी का जो मीरा रोड का जो कार्यक्रम था मुंबई का, वहाँ डेट चेंज हो चुकी है। 25 फरवरी के दिन शाम 5 बजे क्यों वो डेट कैंसिल हुआ? क्योंकि जो देशद्रोही है इनके बड़े अब्बा प्रधानमंत्री मोदी जी 19 तारीख के दिन मुंबई का उनका दौरा है। तो प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए, तो इसलिए हमने तारीख चेंज की है 25 तारीख के दिन। 25 फरवरी के दिन शाम में 5 बजे मैं मीरा रोड। तेलंगाना विधानसभा में चुनाव की जीत की हैट्रिक लगाने वाले बीजेपी विधायक टी राजा सिंह अक्सर खबरों में बने रहते हैं। भड़काऊ बयानबाजी के कारण उनका विवादों से गहरा नाता है। इस चक्कर में वो कई बार जेल भी हो आए हैं और यहाँ तक कि पार्टी से भी निष्कासित हो चुके हैं। इन सब के बावजूद उन्हें दक्षिण भारत से आने वाले बीजेपी के फायरब्रांड लीडर के तौर पर देखा जाता है। उनकी इसी पहचान के कारण विपक्ष शासित राज्यों में उन्हें रैली की अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन अब की बार उनके साथ एक एनडीए शासित राज्य में खेल हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी विधायक राजा सिंह को मुंबई में रैली करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। राजा सिंह 25 फरवरी को रैली करने वाले थे। पुलिस ने उनके नफरती भाषणों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। दिलचस्प बात यह है कि राज्य में गृह विभाग डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह 25 फरवरी को मुंबई के मीरा रोड इलाके में हिंदू जन आक्रोश रैली करने वाले थे। मीरा भाईंदर पुलिस ने रैली को कैंसिल करते हुए कहा कि इसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ सकती है और उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होगा। पुलिस ने बीजेपी विधायक को पुराने नफरती भाषणों का हवाला देते हुए कहा कि इससे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकते हैं। मुंबई पुलिस ने आयोजकों को भेजे पत्र में हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया है। पत्र में बताया गया कि विधायक राजा सिंह के खिलाफ विभिन्न जगहों पर हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने अपने पत्र में रैली को रद्द करने की एक और वजह 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा को भी बताया है। आयोजकों को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत एक नोटिस जारी कर पुलिस द्वारा जारी आदेशों का पालन करने को कहा है। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।